औरतें अपना सेक्स टाइम कैसी बढ़ा सकती है, इसके बारे में भी हमें सवाल आते रहते हैं। महिलाओं के लिए क्या ऐसा है कि भाई उनका सेक्स टाइम भी बढ़ेगा, उनकी इच्छा भी बढ़ेगी, तो औरतों के लिए सेक्स टाइम कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। औरतों को सेक्स टाइम बढ़ाना है या सेक्स की इच्छा भी बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ करना जरूरी है। नंबर एक, स्ट्रेसलेसनेस, मतलब कोपिंग विद स्ट्रेस। जो भी मेरे वीडियोज है वो वीडियोज आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस तनाव कैसे दूर करें। यदि वो लेडी स्ट्रेसलेस है या रिलैक्स्ड है तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिससे फिटनेस होता है, और वजन कम रखना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैट है, घुटने दर्द कर रहे हैं, पेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, तो उसमें भी बहुत तकलीफ होती रहती है। नंबर तीन, आपका संवाद कैसे पार्टनर के साथ में, कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। तो उसमें आप बताते अपने पार्टनर को कि भाई मुझे यहाँ टच किया तो अच्छा लगता है, ये इरोजिनस जोन है, यहाँ प्रेस करो, यहाँ मसाज करो, यहाँ टच करो, यहाँ किस करो, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर चार, एक इंटीमेसी डेवलप करना अपने पार्टनर के साथ में। जिनकी इंटीमेसी है, अपनापन है, नज़दीकियाँ हैं, बहुत ऐसा अपनापन होता है, प्यार है, उनका सेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत एंजॉयबल होता है, ऐसा स्टडीज़ के जरिए प्रूव हुआ है। नंबर पाँच, बैड हैबिट्स औरतों ने डालना चाहिए। बैड हैबिट्स मतलब ऐसा है कि एक तो डाइटरी बैड हैबिट्स है, जंक फूड खाना। दूसरा है कि यदि बहुत सारी लेडीज़ है कि जो शराब पीती है, तंबाकू खाती है, तो ये भी बंद करना चाहिए। अभी आप दवाई के बारे में पूछेंगे तो बुप्रोपियन जो मेडिसिन है, जो एंटी डिप्रेशन करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो देने के बाद में काफ़ी लेडीज़ को सेक्स ड्राइव उनका इम्प्रूव हुआ और उनको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिला। बुप्रोपियन 150 मिलीग्राम की एक गोली आती है और वो गोली रेगुलरली ले तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वैसा ही फ्लिबेनसेरिन जो है, फ्लिबेनसेरिन ये भी मेडिकेशन है, ये भी दवाइयाँ 4 से 6 हफ्ते आप ले सकते हैं गोली, और उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जैसे ब्री मेलानोटाइड, ये इंजेक्शन है, सबकेनेसली लिया जाता है 1.75 मिलीग्राम, और वो इंजेक्शन से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके साथ साथ जो फीमेल हार्मोन है इस्ट्रोजन, उसकी मात्रा कम हो सकती है, और मेनोपॉज के बाद में तो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई जाता है, तो इस्ट्रोजन थेरेपी ले सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, मगर तभी भी उसकी मात्रा लेडीज़ में कुछ ना कुछ प्रमाण में रहती है, और वो एकदम ही कम हो गई तो उनकी इच्छा कम हो जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन एकदम लो डोज में आप यदि फीमेल को देते तो उससे भी उनकी सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाती है। तो यह है तरीके कि जिससे महिलाओं की सेक्स ड्राइव बढ़ जाएगी, उनको सेक्स डिज़ायर बढ़ जाएगी, ज़्यादा सेक्स एन्जॉयमेंट होगा, और वो यदि कोऑपरेट करती है, वो यदि बहुत पार्टिसिपेट करती है अच्छा, तो नेचुरली पुरुष को भी अच्छा लगेगा और उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और वैवाहिक जीवन नेचुरली हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।